एक बार फिर से सभी दोस्तों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज एक फिर एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों सुपर गेम संसार के इस एपिसोड में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों वीडियो पूरा देखना, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि जो दोस्त अपने छत पर ड्रैगन फ्रूट लगा लिए हैं, नए नए से लगाए हैं, अभी उनको कोई विशेष जानकारी नहीं है, तो वो लोग हमारी तरह ज़्यादा से ज़्यादा फल कैसे ले सकते हैं और किन किन बातों की सावधानियां रखें कि ड्रैगन फ्रूट का पेड़ और फल फूल खराब ना होने पाए। दोस्तों हम इसी विषय पर आज आपको एक नई जानकारी देना चाहते हैं कि आप भी अगर हमारी तरह पौधे की केयर करेंगे, ड्रैगन फ्रूट के पौधे की, तो आप ढेर सारा हमारे जैसा फल प्राप्त करेंगे। ये देखिए दोस्तों कितना बड़े साइज का ड्रैगन फ्रूट लगा हुआ है और हम लोग इसको कुछ ही दिन में हार्वेस्ट करेंगे। दोस्तों शुरुआती दिनों में हमको भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा था, तो हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम दिक्कत का सामना ना करें, एक सही जानकारी के साथ ड्रैगन फ्रूट के पौधों को लगाएं और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें कि आपका ड्रैगन फ्रूट का पेड़ खराब ना होने पाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फल प्राप्त करें। देखिए दोस्तों इसके आज ये बड्स बड़े हो गए हैं, छोटे छोटे कली थे, अब ये काफ़ी बड़े बड्स में कन्वर्ट हो गया है और कुछ ही दिन में इसमें फूल भी खिलेंगे। खिला हुआ है जो रात में खिला हुआ था। दोस्तों यहीं से इसका चक्र चालू हो जाता है, ये जब रात में खिलता है तो दोस्तों फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है, जो तो ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है, इसके परागकण इसमें लगना चाहिए, इसको हम लोग पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपके गार्डन में मधुमक्खी नहीं आती है तो आप अपने हाथ से पॉलिनेशन कर सकते। दोस्तों पॉलिनेशन से क्या होता है कि जो फ्रूट का साइज होता है काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी बड़ा होता है फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट दोस्तों लगाने से पहले एक बात और आपको ध्यान देना है, आपको मिट्टी का सही चुनाव करना है, आपको ऐसी मिट्टी लेनी है जो दोस्तों वेल्ड्रेन हो, पानी कम रोकती हो। दोस्तों पानी तो ड्रैगन फ्रूट को रेगुलर चाहिए पर हल्का चाहिए, इसमें ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए वरना इसके जो रूट होते हैं वो गल जाएंगे, खराब हो जाते, फंगस का शिकार हो जाएगा। आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपने दोस्तों अपने उत्तर भारत में ठंडी भी काफ़ी पड़ती है और सर्दी भी पड़ती है। जो ड्रैगन फ्रूट का ये पौधा है, ये इसका जो जलवायु है दोस्तों इसके लिए पर्याप्त जलवायु है, 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक काफ़ी अच्छा होता है। अगर इससे ऊपर नीचे होता तो इस पौधे को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जलवायु के बारे में हम आपको इतना ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में आपकी जलवायु क्या है क्या नहीं, आप इसको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए पौधे लगाएं। जब आपके यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है, गर्मी 40 डिग्री टेम्परेचर, तो इस पौधे के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में दोस्तों इसके ऊपर आप ग्रीन नेट का सहारा ले सकते हैं, जो बाज़ार में 70-75% का ग्रीन नेट आता है दोस्तों, तो आप गर्मी के दिनों में इसको कवर कर सकते हैं, तो ये पौधा आपको ख़राब नहीं होगा। दोस्तों जब इसका पौधा लगाते हैं तो पौधा लगाने के कम से कम 1.5 से 2 साल में ये फल देता है, और जब आप इसको अच्छे से केयरिंग करने के बाद देता है, हमने देख लीजिए कैसे इसको लगाया है, ये देख लीजिए विशेष तौर पे 4 कंटेनर लिए हैं और इसकी मिट्टी काफ़ी अच्छी बनाई है, इसमें वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद है और है नीम की खली है, तो ऐसी मिट्टी का आपको चुनाव करना है जो इसके लिए काफ़ी बेहतर हो। और हाँ दोस्तों आप जिस गमले में आप इसको लगाते हैं, जिस कंटेनर में लगाते हैं, उसमें छेद अच्छे से करिए, क्योंकि इसको पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, पानी रुक जाएगा तो इसके लिए खतरा है। तो आप इस बातों का विशेष तौर पर ध्यान करके इस पौधे को लगाएं और लगाने के कुछ ही दिन बाद इसमें आप सेवा पानी चालू कर दीजिए जैसे हमने चालू किया, और देखिए आप हमारी तरह कैसे बड़े बड़े फल पा सकते हैं। ये देख लीजिए बहुत ही बड़े बड़े दोस्तों जबरदस्त फल लगे हुए हैं। मात्र दोस्तों ये 1 हफ्ते के अंदर हार्वेस्ट हो जाएगा
अभी भी हार्वेस्ट हो सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा कसर बाकी है तोड़ने में। तो ये होता है कि अभी और कुछ दिन लगा रहे और लाल पड़ जाएगा और बड़े हो जाएंगे। दोस्तों जब इसमें कलियां लगती हैं, कलियां लगने के बाद थोड़ा सा वो और बड़ी होती हैं, बड़ी होने के बाद इसमें फूल आता है, फूल के बाद फूल के पीछे हिस्से से ये फल बनना चालू हो जाता है। तो दोस्तों लगभग 1.5 महीने का इनका सफ़र होता है, और इसी बीच में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना पड़ेगा जिससे ये फल आपका बेहतर हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, आपका फल बहुत ही सुंदर और चमकदार होगा, बड़े होंगे और आपको ढेर सारा गमले में फल खाने को मिलेगा। देखिए जैसे हमको ढेर सारा इसमें फल मिल रहा है, ये देख लीजिए दोस्तों कितना ढेर सारा हमको ड्रैगन फ्रूट का फल मिला हुआ है। ये देखिए दोस्तों इस पौधे में कितना ढेर सारा फल लगा हुआ है। दोस्तों हमने काफ़ी ढेर सारे इसमें फल हार्वेस्ट भी कर लिए हैं जो पक गए थे। तो आप भी दोस्तों हमारी तरह ढेर सारे फल लगाएं ड्रैगन फ्रूट का और इन्जॉय करें। दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह दोस्तों नए नए वीडियो और नई नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होते रहेंगे।